हाय गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेयर आई टॉक अबाउट लाइफ एट नेशनल लॉ स्कूल, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड कॉलेज लाइफ इन जनरल। करेंटली माय वेकेशंस आर गोइंग ऑन, मैं अपने घर पे हूँ, मैं अपने होम टाउन में हूँ। सो जब आप कॉलेज चले जाते हो, एक दो साल बीत जाते हैं, तो घर की इतनी याद आती है ना कि एक बार घर का खाना मिल जाए, सुबह आराम से उठना, घर के बिस्तर पर सोना। तो इसलिए इस बार मैंने सोचा कि आई जस्ट गो टू माई होम एंड आई स्पेंड माई होल वेकेशन देयर, बिकॉज पिछली जो वेकेशंस मेरी रही हैं वो कभी राजस्थान के विलेजेस में मैंने स्पेंड करी, कभी दिल्ली के हसल बसल में। सो दिस टाइम आई डिसाइडेड टू स्टे इन इलाहाबाद। इफ यू वांट टू सी कि मैं यहाँ क्या क्या कर रहा हूँ, यू कैन चेक आउट माय इंस्टाग्राम पेज, वहाँ मैं पोस्ट करता रहता हूँ। एंड आई ऑल्सो पोस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर कॉलेज लाइफ इन द फॉर्म ऑफ रील्स, सो यू कैन चेक दैट आउट। माई यूजर नेम इज राइट हियर, सो आई विल सी यू देयर। एनीवे, लॉ एग्जाम्स की अगर बात करें, लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स आई मीन, तो इसमें काफी रीडिंग सही होती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई वरुण अभी से क्यों बात कर रहा है, क्लैट तो बहुत दूर है, दिसंबर में आएगा। बट ऑनेस्टली दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर क्लैट प्रिपरेशन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2025, बिकॉज 9 months बचे हैं फ्रॉम मार्च टू नवंबर एंड। ये बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने का। अगर आपने स्टार्ट कर दिया है दैट्स अमेजिंग, अगर आपने नहीं किया है तो ये मौका है, आप लोग अभी स्टार्ट कर सकते हो। प्रेपरेशन स्टार्ट करने पे सबसे पहला हर्डल जो आता है वो होता है इंग्लिश रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन स्पीड का, कि आप कितनी तेज इंग्लिश के पैसेजेस पढ़ लेते हो और उनको समझ लेते हो। एंड ये सिर्फ क्लैट में नहीं होता, ये हर इंग्लिश बेस्ड लॉ एंट्रेंस टेस्ट में होता है, जैसे एलेट हो गया एनएलयू दिल्ली के लिए, एसएलएटी हो गया सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट, या एलसैट हो गया ओपी जनरल और भी कॉलेजेस के लिए, और क्लैट ऑफकोर्स 27 एनएलयू जो है, एनएलयू 27 मैं कह रहा हूँ क्योंकि एनएलयू प्रयागराज रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ, सो वो भी स्टार्ट हो गया, इस साल से उसके सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए आपको इंग्लिश रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन स्पीड बेटर करनी पड़ती है। सो आज इसी पे बात करेंगे ना, विल टेल यू कि आप कैसे इस पे वर्क कर सकते हो, सही टाइम से कैसे अपनी रीडिंग स्पीड बेटर कर सकते हो ताकि प्रिपरेशन में आगे जाके प्रॉब्लम ना है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करने से पहले रीडिंग स्पीड के बारे में तो मैं बता दूंगा, बट अगर आप एम कर रहे हो क्लैट 2025 के लिए एंड आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करनी है, तो आई क्वांटा इज देयर टू हेल्प यू गाइज विद द क्लैट 2025 फुल कोर्स। प्रिपरेशन में एक बड़ी दिक्कत आती है कि वो बहुत हैफजर्ड हो जाती है, मैनेज नहीं हो पाती है। सो दे हैव प्रिपेयर्ड अ सेक्शन वाइज स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान, जिससे आपको हेल्प मिलती है अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने में। देयर कोर्स इज डिवाइडेड इनटू 3 phases, जिसमें आप पहले लर्न करते हो कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं अलग अलग सेक्शंस में। सेकेंड फेज में आप अप्लाई करना सीखते हो इन कॉन्सेप्ट्स को, एंड थर्ड फेज में आप पूरा फिर से रिवाइज करते हो राइट बिफोर द क्लैट एग्जाम। सो मेक श्योर टू चेक देम आउट, यू विल फाइंड ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स ऑन देयर वेबसाइट, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, रीडिंग स्पीड। तो पहले बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंस की, कि क्यों हमें जरूरी है रीडिंग स्पीड बेटर करना, कॉम्प्रिहेंशन स्पीड बेटर करना, एंड देन वील मूव ऑन कि इसको कैसे करें, हाउ टू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड, एंड क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं विच आई विल शेयर विद यू गाइस। व्हाई इज अ गुड रीडिंग स्पीड नेसेसरी फॉर लॉ एंट्रेंस टेस्ट, क्लैट या जो भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें जो क्वेश्चन आते हैं दोज आर बेस्ड ऑन सफिशियंटली लॉन्ग इंग्लिश पैसेजेस, जो आपको पढ़ना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, फिर आप उस हिसाब से आंसर करते हो उन क्वेश्चन को। क्लैट में इनफैक्ट सारे क्वेश्चन ही पैसेजेस पे बेस्ड होते हैं। दूसरे एग्जाम्स में लॉजिकल रीजनिंग जीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, नॉन पैसेज बेस्ड भी हो, बट मोर और लेस पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं क्लैट एलेट एसएलएटी एलसैट टाइप के लॉ एंट्रेंस टेस्ट में। सो इट बिकम्स क्रूशियल कि आप अपने पेपर को अच्छी स्पीड से पढ़ो, उतनी ही अच्छी स्पीड से समझो भी, सो दैट यू आर एबल टू फिनिश योर पेपर ऑन टाइम। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, आप क्लैट का पेपर दे रहे हो, उसमें लीगल रीजनिंग का सेक्शन है, उसमें जो पैसेजेस आते हैं वो हो सकते हैं कि ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जैसे वायर हो गया, स्क्रॉल हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया, बार एंड बेंच, वहाँ से पैसेजेस आ सकते हैं, या फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो सकते हैं किसी लीगल डेवलपमेंट के बारे में, या फिर आप इंग्लिश का सेक्शन कर रहे हो एंड देयर यू कैन गेट एन एक्सर्प्ट फ्रॉम अ बुक एज अ पैसेज एंड उस पर क्वेश्चन बेस्ड होंगे। सो दिस इज माई एडवाइस टू एवरी लॉ एस्पिरेंट आउट देयर टू वर्क ऑन योर रीडिंग स्पीड फर्स्ट। आपको अपनी रीडिंग स्पीड बेटर करनी ही पड़ेगी क्लैट में अच्छा स्कोर करने के लिए, दूसरे लॉ एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए। अगर आपके मॉक टेस्ट टाइम पे नहीं खत्म हो रहे, छूट जाते हैं आरसी में क्वेश्चंस, या फिर किसी पैसेज को 2 बार पढ़ना पड़ता है, 3 बार पढ़ना पड़ता है, फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है, उसमें बहुत टाइम लग जा रहा है, तो यू विल डेफिनेटली सी अ डिफरेंस वंस यू बेटर योर रीडिंग स्पीड एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस। नाउ द क्वेश्चन इज कि मॉक्स तो दे ही रहे हो आप, न्यूज़पेपर भी पढ़ ही रहे हो, ये तो प्रैक्टिस में है, तो ऐसा अलग क्या करना है जिससे रीडिंग स्पीड बेटर हो जाए।
इसी की बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन से, जिसमें मैं अलग अलग तरीके बताऊंगा जिससे बेटर हो सकती है ये। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, न्यूज़पेपर्स फॉर इंक्रीजिंग रीडिंग स्पीड। बिफोर यू टेक दिस पार्ट कैजुअली एंड स्किप इट थिंकिंग कि यार न्यूज़पेपर तो हम पढ़ते ही हैं, लेट इट बी, आई विल टेल यू द करेक्ट वे टू रीड इट। दिस हेल्प मी अ लॉट इन माई इनिशियल डेज ऑफ प्रिपरेशन टू इंक्रीज माई रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्पीड, जिसके कारण मुझे आगे जाके मॉक टेस्ट देने में उतनी प्रॉब्लम नहीं आई। पॉइंट वन, यू हैव टू रीड योर न्यूज़पेपर डेली। जब आप अपनी प्रिपरेशन के इनिशियल डेज में होते हो, आई एम अज्यूमिंग आप मॉक टेस्ट अभी नहीं दे रहे हो, यू आर जस्ट डूइंग योर प्रैक्टिस टेस्ट, यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, आपके पास कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम होता है। एंड ऑफ कोर्स जब आप इनिशियली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो भी आपको ज़्यादा टाइम लगता है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप पूरा न्यूज़पेपर ख़त्म कर रहे हो। हो सकता है अभी 2 आवर्स लगे पूरा न्यूज़पेपर ख़त्म करने में, विच इज़ फाइन, आप बस एक गोल बना लो कि बिना ख़त्म किए उठना नहीं है। पॉइंट टू, रीडिंग द एडिटोरियल एंड ओपेड इज अ मस्ट। हो सकता है कभी कभी मिस हो जाए न्यूज़पेपर पढ़ना, मेक श्योर दैट यू रीड एडिटोरियल एंड ओपेड वाले पेजेस एवरी डे, बिकॉज दीज सेक्शंस वुड गिव यू द क्लोजेस्ट आइडिया ऑफ व्हाट पैसेजेस इन अ मॉक टेस्ट वुड बी लाइक। पॉइंट थ्री, विच न्यूज़पेपर टू रीड। सो आई वुड सजेस्ट रीडिंग द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। मैंने थोड़ा सा फील किया है कि इंडियन एक्सप्रेस की इंग्लिश थोड़ा इजियर साइड पे है एज कम्पेयर टू द हिंदू, सो इफ यू आर हैविंग एनी ट्रबल यू कैन स्टार्ट विद द इंडियन एक्सप्रेस एंड देन मूव ऑन टू द हिंदू। ये तो हो गया कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, बट नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे पढ़ना है, एंड आई फील दिस इज द पॉइंट वे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक व्हेन रीडिंग अ न्यूज़पेपर। फॉरगेट दैट यू आर डूइंग इट फॉर जीके और एज एन ऑब्लिगेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी रीडिंग स्पीड बेटर करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आप ऐसे हाथ में लेके चाय पीते हुए धूप में बैठ के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते। यू नीड टू गेट इन दैट जोन, जैसे आप मॉक टेस्ट देते हो तो आप चेयर पे बैठो, आप टेबल पे न्यूज़पेपर रखो एंड देन आप पढ़ो, तब आपकी रीडिंग स्पीड बेटर होगी, बिकॉज आपके माइंड में वो जोन आ गया है कि अच्छा जैसे मॉक टेस्ट देते हैं वैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। सो दिस प्रूव्स टू बी वेरी इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग योर रीडिंग स्पीड। इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा एंड आप न्यूज़पेपर को सीरियसली लोगे, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द एस्पिरेंट्स रीड न्यूज़पेपर्स, बट आप अलग क्या कर रहे हो, दैट मेक्स अ डिफरेंस। सो दिस इज इफेक्टिव टू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड, बट इसमें एक और एडिशन करना जरूरी होता है टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स, जिसकी बात हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। अंडरलाइनिंग व्हाट यू रीड। नाउ दिस इज समथिंग आई सजेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स, कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो आप एक पेंसिल या पेन लेके बैठो एंड उसको अंडरलाइन करते रहो, स्पेशली न्यूज़पेपर, मॉक टेस्ट एंड योर क्लैट पेपर। इफ यू कीप अ पेन इन योर हैंड एंड जब आप पढ़ रहे हो उसको आप अंडरलाइन करते हुए चल रहे हो, योर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस बाय मोर देन 2x एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू लूज फोकस। आप जो टेक्स्ट पढ़ रहे हो अगर वहीं पे आपके पेन की टिप रखी हुई है तो आपका माइंड इधर उधर नहीं जाएगा एंड यू विल कीप रीडिंग द टेक्स्ट। पूरा पेपर अंडरलाइन कर दो, पूरा पेपर ब्लू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड आराम से ग्रेजुअली अंडरलाइन नहीं करना है, जिस स्पीड से आप पढ़ रहे हो उस स्पीड से अंडरलाइन करना है। सो यू डोंट हैव टू मेक परफेक्ट लाइंस देयर, यू कैन जस्ट कीप स्क्रिबलिंग। एंड दिस ट्रिक इज ऑफ कोर्स नॉट लिमिटेड टू न्यूज़पेपर्स, ये मॉक टेस्ट में भी करना चाहिए, मॉक टेस्ट में बहुत हेल्पफुल हो जाता है। इनफैक्ट अगर पैसेज पढ़ते वक्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है पॉइंट, उसको आप डबल अंडरलाइन कर दो या सर्कल कर दो, इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है इसको ऐसे किया फिर आगे बढ़े, जस्ट कीप डूइंग लाइक दिस 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 एंड इट इज रियली हेल्पफुल, बिकॉज इट वर्क्स लाइक मैजिक टू इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस। सो डू ट्राई यूजिंग अ पेन और अ पेंसिल व्हेन रीडिंग द नेक्स्ट टाइम एंड यू विल डेफिनेटली नोटिस अ डिफरेंस इन योर रीडिंग स्पीड। कंडीशनिंग योर माइंड थ्रू मॉक टेस्ट, दिस ट्रिक इज मोस्ट यूजफुल अगर आपके मॉक टेस्ट टाइम पे नहीं खत्म हो रहे हैं। लेट्स सपोज कि आपके मॉक टेस्ट 2 आवर्स के होते हैं एंड यू आर लेफ्ट विद 15 questions एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, मतलब आपके 15 questions पेपर में बच गए। यहाँ पे ट्राई नॉट टू लीव द पेपर देयर, इंस्टेड जस्ट सिट डाउन, टेक अ फ्यू एक्स्ट्रा मिनट्स एंड फिनिश द होल पेपर। जो भी क्वेश्चंस आपके बचे हैं आप उनको पूरा करो एंड फिर उठो, भले ही आपको 2 hours 15 minutes लग जाए, 2 hours 25 minutes लग जाए। इससे क्या होगा, योर माइंड विल रियलाइज कि पूरा पेपर तो हमें ख़त्म ही करना है, वो 2 hours का इश्यू हम रिजॉल्व करेंगे। पहले क्या होता था, आपके माइंड को लगता था कि 2 hours में जितने क्वेश्चंस हो जा रहे हैं वेल एंड गुड, बाकी हम छोड़ सकते हैं। इंस्टेड यू हैव टू हैव अ डिफरेंट अप्रोच, थिंकिंग कि पूरा पेपर हमें ख़त्म करना है। जस्ट टू क्लियर, व्हेन आई से पूरा पेपर ख़त्म करना, आई डू नॉट मीन यू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, आई मीन यू ग्लांस थ्रू एवरी क्वेश्चन, जो नहीं आ रहा है वो आप छोड़ सकते हो ऑफ कोर्स, अगर किसी में आपको डाउट है, कोई आंसर क्लियर नहीं है, बट यू हैव टू ग्लांस थ्रू एवरी क्वेश्चन कि आपको पता हो, आप सारे क्वेश्चन विजिट कर चुके हो एक बार, वो मेरा मतलब है पेपर ख़त्म करने से। जब आप ये करना शुरू कर दोगे एंड इस पर प्रैक्टिस करते जाओगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, यू विल ऑटोमेटिकली नोटिस कि आप पूरा पेपर तो ख़त्म कर ही रहे हो,
धीरे धीरे टाइम अपने आप रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज ऑफकोर्स जब 2 आवर्स की बेल बजती है आपको एक क्यू मिलता है कि दिस इज योर टाइम लिमिट, इसके बाद आप एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप पूरा पेपर खत्म भी कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे फिट होने लगेगा 2 आवर्स में। द होल पॉइंट ऑफ प्रैक्टिसिंग लाइक दिस इज टू कंडीशन योर माइंड टू सिट कंटिन्यूअसली एंड विद कॉन्सेंट्रेशन फॉर 2 आवर्स। इसलिए जब भी आप कोई मॉक टेस्ट उठाओ या क्लैट पेपर देने भी जाओ, ऑलवेज गो विद द एम कि हम पूरा पेपर खत्म करके आएंगे। डोंट एम फॉर लेस कि चलो 90% क्वेश्चंस कर देंगे, 10% तो छूट ही जाता है, इस सेक्शन में छोड़ देंगे या उस सेक्शन में छोड़ देंगे। ऑलवेज एम फॉर 100%। जो भी क्लैट टॉपर्स होते हैं वो ये एम करके नहीं जाते कि हम थोड़ा सा छोड़ देंगे मैथ सेक्शन में, थोड़ा सा छोड़ देंगे लॉजिकल सेक्शन में, वो बाई चांस हो जाता है अलग बात है, बट ऑलवेज एम फॉर 100%। आपको हर क्वेश्चन पे ग्लांस एक बार करना है, ये एम होना चाहिए। तो धीरे धीरे आपका माइंड कंडीशन हो जाता है कि अच्छा हाँ ये एम है हमारा, लेट्स ट्राई टू अचीव दिस गोल। सो आप खुद को ऐसे टाइम करो एंड देन ट्राई टू कंप्लीट द होल मॉक टेस्ट इन वन सिटिंग एंड यू विल डेफिनेटली सी अ डिफरेंस कि आप धीरे धीरे कम टाइम में पेपर कर पा रहे हो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, क्विजेस हो गई, आप उतना करो, बिकॉज प्रैक्टिस से ही आपकी रीडिंग स्पीड बेटर होती है, एक्यूरेसी बेटर होती है, कॉम्प्रिहेंशन स्पीड बेटर होती है। एंड जब भी आप कोई टेस्ट देने बैठ रहे हो, स्पेशली मॉक टेस्ट, उसको बिल्कुल कैजुअली मत लो, बिकॉज आधे टाइम ये होता है कि अरे यार मॉक टेस्ट तो रोज देते हैं, हर दूसरे दिन देते हैं, ये वाला थोड़ा कैजुअली कर लेते हैं, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड टुडे। डोंट बी लाइक दिस, बिकॉज इससे क्या होता है, आप तो एक मॉक टेस्ट वेस्ट हो रहा है। आप कितने ही मॉक टेस्ट दोगे, दे आर ओनली लिमिटेड मॉक्स यू विल गिव बिफोर योर क्लैट एग्जाम। सो एक मॉक टेस्ट वेस्ट हो रहा है, आपकी एक आदत छूट रही है मॉक टेस्ट देने की, आप उस मॉक टेस्ट के लो स्कोर की वजह से डीमोटिवेट हो जाओगे। सो मेक श्योर कि आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो वो एक अच्छे कॉन्सेंट्रेशन, अच्छी सीरियसनेस के साथ दो एंड उसी को प्रैक्टिस करते रहो अपने बॉडी को। वो 2 घंटे बैठने के लिए, वो 2 घंटे कॉन्सेंट्रेट रहने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। सो आई थिंक दिस सम्स अप how to increase your reading speed and I shared all the tips and tricks I used during my time of preparation जिससे मेरी reading speed बढ़ गई थी। and आगे जाके mock test में ऐसा कभी नहीं हुआ कि major chunk मेरा छूट जा रहा हो या कोई पूरा section छूट जा रहा हो mock test का। of course एक दो questions आगे पीछे होते रहते थे, but reading speed की वजह से मुझे काफ़ी help मिली थी एंड बहुत कम इंस्टेंसेस होते थे जहां मुझे पैसेजेस फिर से पढ़ने पड़ रहे हो, बिकॉज वो स्पीड आ जाती है कॉम्प्रिहेंड करने की प्रैक्टिस से। सो आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट, जो जो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं या जो शुरू करने वाले हैं फॉर क्लैट 2025, गुड लक टू यू गाइस एंड ड्रॉप इन योर कॉमेंट्स और DM मी ऑन Instagram इफ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट anything रिलेटेड टू क्लैट और रिलेटेड टू लॉ स्कूल्स इन जनरल एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू यू गाइस। Till then, take care and I will see you in the next one. Bye-bye.